हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल क्रेजी वर्स। हर जगह मैं देख रहा हूँ, मतलब हर जगह पे, ट्विटर पे भी, हर जगह पे ट्रेंडिंग में हो रहा है और बहुत सारे यूट्यूब में भी रिव्यू तो देखने नहीं मिल रहा है, लेकिन उसका कलेक्शन देखने मिल रहा है और उसका क्या कुछ कैसे हो रहा है, मतलब क्या मूवी ने कितना क्या धमाका बना दी, वो सब मैं देख रहा हूँ और सुन रहा हूँ। तो वो सब मूवी है हॉलीवुड की, अब सबको पता है, जो अभी के लिए हर जगह पे हाउसफुल, हर मतलब 10,000 का शो फुल हर जगह पे हाउसफुल का जो बोर्ड बन रहा है वो मूवी है ओपनहाइमर, जो क्रिस्टोफर नोलन है, दो मतलब लेजेंड डायरेक्टर है, आप सबको पता है, इंसेप्शन, टेनेंट और बहुत सारे मूवीज है, मतलब उनके इतने इतने बड़े बड़े मूवी है ना, तो वो मूवी अपने को सोचने के लिए ही बहुत टाइम लगता है। वो मूवी जो वो कंटेंट बनाते हैं ना, उस तरह की मूवी है, अपने को देखने के बाद सोचने के लिए बहुत टाइम लगता है, इतना मतलब डीप उनका मीनिंग होता है। वो डायरेक्टर बहुत बड़े डायरेक्टर है क्रिस्टोफर नोलन। तो उनका मूवी आया ओपनहाइमर, मतलब ये भी मूवी कुछ बहुत अच्छा अंडरग्राउंड में है और कुछ बॉम्ब कैसे बनाते, मतलब वो सब वो टाइम का मूवी था, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये सब टाइम का मूवी है। मतलब ये तो जैसे कि ट्रेलर में मैंने देखा था किस तरह वो होता है, वो क्या डिस्कशन होता है, लेकिन अभी फाइनली मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये मूवी के टिकट्स है, इतना जो बज हो गया ये मूवी का, टिकट्स सो मिल रहा ही नहीं है, मतलब किसको टिकट बुक ही नहीं हो रहा है क्योंकि हाउसफुल जो जा रहे हैं देखने के लिए नहीं मिल रहा है टिकट। ऐसा क्या है, इतना मतलब इन लोग ने, मतलब हॉलीवुड लोग ने इतना ट्रेंड बना चुके हैं और बॉलीवुड में, इंडियन में, इंडिया में भी इतना क्रेज इसको बन चुका है, तो ये तो मैं देख के ही शौक हो गया क्योंकि हर एक रिव्यूअर बना रहा है वीडियो, क्योंकि फर्स्ट डे कलेक्शन इतना है, टिकट नहीं मिल रहा है, क्या इतना क्रेज है। बिकॉज जो एक ही नाम है वो है डायरेक्टर का नाम क्रिस्टोफर नोलन, वो उसके नाम के थ्रू है ना पब्लिक है ना भाग भाग के जा रही है, भर भर के देख रही है मूवी। पता नहीं अभी वो मूवी में कंटेंट किस तरह का है, क्या मीनिंग है, क्या इसका जो लॉजिक है, तो वो तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। ये तो अभी के लिए मेरे को लगा कि ये बहुत बड़ी, क्योंकि हर जगह पे यही छा रहा है क्रिस्टोफर का जो ओपनहाइमर। तो होप अगर ये मूवी का टिकट मिले और मैं देखूँ और आपको रिव्यू भी बताऊँ तो मैं तो चाहूँगा ये रिव्यू आपको देने के लिए। लेकिन जो क्रेज़ है ना भाई, ये बहुत बड़ी क्रेज़ है क्योंकि फर्स्ट डे कलेक्शन और इंडियन मूवी में क्या, हॉलीवुड का मूवी है, इंडिया में इतना बड़े कलेक्शन लाना, तो ये सिर्फ हॉलीवुड के इतने बड़े बड़े डायरेक्टर लोग का ही काम है। तो मैं तो हैट्स अप बोलूँगा क्योंकि होप अभी ये मूवी और अच्छा चले। तो ये था मेरा लेटेस्ट अपडेट, तो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय।